पिछले कई वर्षों से यह देखा जा रहा था कि साधु राजनीति कर रहे हैं धर्म संसदों में, और राजनीति की बात हो रही है कि किस पार्टी को वोट दें, इस पे साधु और सेल्फ मेड बाबास अपना प्रवचन कर रहे हैं और राजनेता धर्म की का ज्ञान दे रहे हैं, कौन सी भक्ति मार्ग अपनाएं, कौन सी देवी देवता को अपनाएं, कैसे पूजा करें, कैसे भक्ति करें, ये बता रहे हैं। लेकिन हाल ही में बाबा रामदेव अभी जयपुर में थे और उन्होंने जो व्याख्याएं की हैं वो आपको सुनना और समझना बहुत ही लाजमी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। चलिए सीधे लिए चलता हूं, पहले जयपुर में लाला रामदेव ने क्या कहा है। वो अब बिजनेसमैन है, पहले साधु थे, योग करते थे, योग का फीस भी लगता था, लेकिन आजकल बड़े बिजनेस में हैं और बड़े हजारों करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले बता रहे हैं, जरा सुनिए उनको कि इस्लाम की परिभाषा क्या है, नमाज पढ़ने का मतलब क्या है और स्वर्ग कैसे जाएंगे और स्वर्ग की उनकी व्याख्या क्या है। जरा पहले ये सुनिए ये वीडियो। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या कहे, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनमा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करने करो, वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा, बस नमाज पढ़ो बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मनमाए वो करो। और उनका स्वर्ग का मतलब, स्वर्ग का मतलब है तखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो, टोपी पहन लो, ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्या मिले, जन्नत में हुर मिले और उठे दारू पीने की मिले भाई, ऐसो ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। चलिए अब इस्लाम पे ही नहीं ठहरते हैं बाबा, ये बाड़मेर राजस्थान की घटना है। सिर्फ इस्लाम की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, वो ईसाइत की भी व्याख्या कर रहे हैं और किस तरीके से, किस अंदाज में कर रहे हैं, जरा पहले सुनिए ये वीडियो। ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे यहाँ श्लोक सूत्र मंत्र होते हैं ऐसे उनके भी कुछ होंगे, आए थे पाए थे। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हुए। अब चलिए, वो कह रहे हैं कि भाई इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो है पूरे दुनिया में जो है फैलाना चाहता है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को, ये भी स्टेटमेंट जरा सुन लीजिए और उसके बाद इसका विश्लेषण मैं करूंगा, संक्षिप्त विश्लेषण करूंगा। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील करेंगे, मैं कहता हूं मैं करके करोगे कि वो तो बताओ, कोई एजेंडा नहीं। और अंतिम में सुनिए सनातन धर्म की उनकी व्याख्या, जरा ये सुनिए, उसके बाद टोटलिटी में इसकी व्याख्या करूंगा। सनातन धर्म का एजेंडा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठ करके भगवान का नाम, राम का नाम लो, सुबह उठ करके योग करो और अपने आराध्य की पूजा करके फिर कर्म योग करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा आचरण करो, ये हिंदू धर्म सिखाता है, ये सनातन धर्म सिखाता है। सनातन धर्म अच्छे से जीवन कैसे जीना है, सात्विक जीवन कैसे जीना है, हमारे आहार में, हमारे विचार में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में सात्विकता होनी चाहिए, धार्मिकता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, दिव्यता होनी चाहिए, रजोगुण तमोगुण में नहीं जीना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हिंसा झूठ बेईमानी नहीं करना। चलिए बात करते हैं, पहले सनातन धर्म से ही शुरू करते हैं, क्या सनातन धर्म क्या शिक्षा देता है और बाबा रामदेव ने कितने धर्मशास्त्र वेद तमाम लिटरेचर जो है कितने पढ़े। आपने कई धर्म संसद देखे होंगे हरिद्वार में भी और छत्तीसगढ़ में भी, किस तरह बाबाओं ने कैसे
हेट स्पीचेस दी है। कैसे एक साध्वी गांधी के पुतले को गोली मार रही है। क्या बाबा ये भी बताएंगे कि धर्मशास्त्रों में सनातन धर्म में ये भी लिखा हुआ है कि बाबा लोग भगवा पहन के हजारों करोड़ का व्यवसाय करेंगे, ये भी लिखा हुआ है, ये भी बता दें। मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, स्मार्ट दिखने पर, मूंछ रखने पर हत्या कर दी गई। एक बच्चा स्कूल से पानी पीने जाता है, उसकी हत्या होती है। जो दलित अस्पृश्य सो कॉल्ड तथाकथित कोट अनकोट महिलाओं और बच्चियों का जो बलात्कार होता है वो कौन लोग करते हैं और उस पर आपकी त्वरित टिप्पणी क्यों नहीं आती है, क्या वे किस धर्म के हैं, ये भी बताएंगे, ये जानना जरूरी है। गुजरात मैसेकर 2002, उसमें जिस तरह के घृणित कार्य किए गए, जिनके मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, क्या वो कौन लोग थे और किस झंडे और किस रंग से पहचाने जा सकते हैं, बाबा ये भी बताएंगे। तीसरी बात कह रहा हूं कि क्या बाबा ये बताएंगे कि दुनिया भर में जो हिंदू रह रहे हैं, दुनिया भर में सरकारों से जमीन लेकर कितने कितने भव्य मंदिर बनवा रहे हैं और क्या वो हिंदू धर्म का वहां प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। उस अनुपात में एक रिसर्च होना चाहिए कि जितने ईसाई देश हैं या जितने मुस्लिम देश हैं, क्या उस अनुपात में भारत में चर्च की संख्या बढ़ रही है, मस्जिदों की संख्या बढ़ रही है, या भारत अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत इंडियन रिपब्लिक है, एक सेकुलर मुल्क है। जरा जाकर देखें कि इनके अनुसांगिक संगठन दुनिया भर में, कह रहा हूं मैं, अरब कंट्री से लेके इंग्लैंड और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहां कहां जाकर सरकारों से जमीन लेकर, भिक्षा लेकर कितने मंदिर बनवाए जा रहे हैं। आखिर मंदिर बनवाने का पर्पस क्या है, क्या ये हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। वैसे समय में कि जब अडानी अर्थव्यवस्था देश के संकट में है, सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं, इस तरह के हेट स्पीच देना ईसाइयों के बारे में, मुसलमानों के बारे में किस ओर इशारा करता है, क्या यह राजनीति का अंग है। और बाबा जिस तरह से, लाला रामदेव जिस तरह से बात कर रहे हैं, अगर सारे ईसाई देश और मुस्लिम देश आपसे हर तरह का रिश्ता तोड़ ले या व्यवसायिक जो जो एक्टिविटीज हैं, जो गतिविधियां हैं, उनको अगर तोड़ दिए, तब क्या कहेंगे बाबा, आपका पूरे जो प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बिकते हैं उनका बहिष्कार कर दे, क्या कहेंगे। आप ये भी बताएंगे ना कि सनातन धर्म में स्वर्ग जाने की क्या मार्ग है, क्या रास्ता है। और उस धर्मशास्त्रों में अभी रामचरितमानस विवाह चल ही रहा है, किस किस तरह से किस समुदाय को, महिलाओं को के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या नियम कानून बनाए गए हैं अस्पृश्यों के लिए, शूद्रों के लिए, वैश्यों के लिए। और ये भी बाबा को बताना चाहिए कि वो क्या है और उनके धर्मशास्त्रों के हिसाब से उनके अधिकार, उनके कर्तव्य कैसे परिभाषित किए गए हैं। तमाम ये मसले हैं, ये सुन लीजिए, ये भी बात, ये अकारण नहीं है। धर्म संस्थाओं में लगातार हिंदू राष्ट्र, फिर कुछ नेता भी आएंगे, कुछ अफसर भी आएंगे, और एक माहौल बनाया जा रहा है इस देश में रूल ऑफ लॉ, संविधान के शासन को खत्म करने की। ये इंडियन रिपब्लिक पर एक हमला है, संविधान पर हमला है। छोटी छोटी बात पर आपकी भावना आहत होती है, लेकिन खुलेआम एक बाबा और बाबाज इतने हेट स्पीच दे रहे हैं। और मैं तो ताजुब हूं कि राजस्थान में उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उन पर FIR क्यों नहीं, वहां कांग्रेस की सरकार है। तो इस तरह से हेट स्पीच दिए जा रहे हैं और सरकारें मौन हैं। और जब सोशल एक्टिविस्ट अपने पेज नंबर के साथ, कोई रेफरेंस के साथ अगर कोई बात कहता है, तो आपकी भावना हो जाती है, तुरंत आप जो है उनके खिलाफ केस करते हैं। किस ओर यह मुल्क जा रहा है दोस्तों, बहुत ही संकट के काल से गुजर रहे हैं, और जहां पर बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ये मसले हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ नीचे डाउन हो रहा है, जा रहा है, सारा निजीकरण हो रहा है, महंगाई चरम पर है, वहां पर हिंदू मुस्लिम ये पोलराइजेशन, हिंदू क्रिश्चियनिटी ये पोलराइजेशन, क्या यह इशारा कर रही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव
आने वाला है। शुक्रिया, पूरा वीडियो देखते शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय भीम।